किसान परेशान, व्यापारी और महंगाई की मार झेल रहा आम आदमी के मुद्दे पर आज जिले के समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी। सड़क पर भारी भीड़ के साथ नारेबाजी का प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र में सत्तासीन मोदी सरकार पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी का यह रैला पूरे जनपद में घूमा और अपने आप को आम आदमी का हितैषी करार देने में कोई असर नहीं छोड़ी। बाराबंकी के सड़कों पर आज समाजवादी पार्टी का मानो रैला निकला। किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी। सरकार विरोधी नारे लगाते यह कार्यकर्ता पूरे नगर में घूमे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने किया। गोप इस बढ़ा रहे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने बीच गोप को पाकर उत्साह से लबरेज नजर आ रहे थे। वीओ इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के अरविंद सिंह गोप ने कहा कि आज प्रदेश का किसान भूखमरी के। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पे पूरी पार्टी तहसील स्तर पे धरना प्रदर्शन कर रही है शांतिपूर्वक। महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त, मोरंग गिट्टी बालू की कीमतें आसमान छू रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही, गरीब परेशान है। आज पूरे देश का किसान नौजवान परेशान है, खासकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था रही नहीं गई है, कोई सुरक्षित नहीं है। वो चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी, सब परेशान हैं। आपने देखा होगा इस धरने में किसान, व्यापारी, छात्र, वकील सब सम्मिलित हैं। हमने आज जो मांग पत्र SDM के माध्यम से राज्यपाल को भेजा है, इसमें